どうぞ。 ये आप देख सकते हो एक में पुराना और बिल्कुल पुराना सा घर है और एक एक बस्ती में मैं यहाँ पर आया हूँ और आप दोस्तों को मैं दिखाऊंगा और इस बस्ती का जो रहन सहन है और इस पुरानी जो कल्चर है और ये घर बहुत ही पुराने और कच्चे घर है बिल्कुल जो कई अरसा जो गुज़र चुका है इस घर को तो आज हम आप दोस्तों को दिखाएँगे थे कि इस घर में लोग किस तरह का रहते हैं और क्या है उनका जो रहन सहन है तो वो आप दोस्तों को जो है न इस वीडियो में दिखा वीडियो पूरा जरूर देखना इस वीडियो में आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिलेगी और लाइक करके वीडियो को शेयर जरूर करना क्योंकि मैं आप दोस्तों को अच्छे अच्छे डेजर्ट के अंदर ब्लॉग दिखाता हूँ तो ये चारों तरफ से जो है ना ये टूटा फूटा घर है ये बहुत पुराना घर है इसको कई साल गुजर चुके हैं तो आप दोस्तों को मैं दिखा रहा हूँ इस वक्त तो काफ़ी सारे हमने न्यू व्लॉग भी बना लिए आप दोस्तों को देखने के लिए तो मैं अपलोड करता रहूँगा और ये देख सकते हो ये एक कमरा बना हुआ है बहुत पुराना कमरा है और इसकी आप हालत देख सकते हो तो डेज़र्ट के अंदर लोग जो इस तरह का रहते हैं और एक ये झुपड़ा है जो बिल्कुल गिर हो चुका है और अंदर गिर गया है तो वो भी आप दोस्तों को दिखाता हूँ और ये कमरे की हालत आप देख सकते हो तो ये है कमरा और इसके अंदर एक चार पाई दो रखी हुई है और बाकी ये चूल्हा बना हुआ है आप देख सकते हो बाकी कमरे की हालत अगर आप दोस्तों को दिखा दूँ तो ये हालत है इस डेज़र्ट के अंदर लोगों की और इसके अंदर लोग रहते हैं रात को और जब बारिशें होती है जब सर्दी की मौसम होती है तो भी लोग इसी के अंदर रहते हैं और ये देख सकते हो आप बहुत ही जो ख़तरनाक जो है ये गोपा था और ये बिल्कुल टूट गया है और नीचे गिर गया है फिर भी लोग जो है इसको बनाने की कोशिश करेंगे ये देख सकते हो ये बिल्कुल टूट गया है और अंदर गिर गया है और मट्टी आप देख सकते हो चारों तरफ से ये मट्टी मट्टी है और बिल्कुल ये सही सलामत था तो अभी ये गिर चुका है देख सकते हो पूरा का पूरा ये अंदर चला गया है और बाकी ये अभी भी साबित है और आपको दिखाता हूँ मैं आगे तो काफ़ी सारे अच्छे अच्छे वीडियो में आपको देखने को मिलेंगी चीज़ें तो ये देख सकते हो आप ये बिल्कुल ये देख सकते हो ये माल का चारा वगैरह रखा हुआ है बाकी ये टूटी फूटी ये दीवारें आप देख सकते हो ये तो ये देख सकते हो पूरा का पूरा जो है ना ये दीवारें टूटी हुई है बार ये भाई अकबर भाई का है ये चूरा और ये बिल्कुल जो है वो गिर चुका है नीचे आप देख सकते हो और बाकी ये जो लकड़ी से बना हुआ है वो भी आप दोस्तों को दिखाते हैं ये देख सकते हो चारों तरफ से जो है ना ये टूट गया है ये देख सकते हो आप बाकी ये रहा मिट्टी और गोबर इसी के लोग जो वो टूटा फूटा घर होता है उसको जो है जो जोड़ के बनाते हैं और बाकी ये चारपाई वगैरह ये रखी हुई है और इस घर की हालत आप देखें तो बहुत ही नाजिक हालत है इस घर की और ये देख सकते हो ये बकरियां हैं और ये चारों तरफ से दीवार जो है ना वो गिरक हो चुकी है ये किसी भी टाइम जो है ये दीवार गिर सकती है लेकिन गरीब लोग जो है वो इसी के अंदर रहते हैं ये देख सकते हो आप पूरा का पूरा झुपड़ा ये जो है ना वो ख़त्म हो चुका है बाकी ये इसी के अंदर रहते हैं जो आप दोस्तों को मैं दिखा रहा हूँ ये देख सकते हो ये लकड़ी से बना हुआ है और इसके अंदर मैं एंटर करता हूँ तो ये देख सकते हो ये चार पाइँ रखी हुई है और ये जो चीज़ आपको दिखा रहा हूँ ये बिल्कुल हाथ से बनाई जाती है ये देख सकते हो बहुत ही डिज़ाइन की हुई है और बाक़ी ये चारों तरफ से जो ये लकड़ी है ये लकड़ियाँ लकड़ियाँ हैं और सर्दी इसमें बहुत ज़्यादा होती है फिर भी ये गरीब लोग इधर इसी के घर में रहते हैं तो ये पूरी की पूरी लकड़ी से बनी हुई है देख सकते हो आप चारों तरफ से ये लकड़ियाँ है, लकड़ियाँ हैं